क्या मैं समझ आपको, रही हूँ, क्या आपको लगता है मैडम, क्या आपको लगता बिल्कुल है समझ रही सीमा, हूँ, समझ रही क्या हूँ। आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आप की उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे? सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था, अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और जी दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी, और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था, और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं, मेरा सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम मैं यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहां पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है, जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर मैंने सच सच बोला है, अब बात ही एंड तक पहुंचना उनका काम है, जब एंड तक पहुंचेंगे तभी उनको विश्वास होगा, जाहिर सी बात है देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक वो बातों के आखिर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। और भले ये सही है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई मैं गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे हैं गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है, लेकिन आपके भाई और एक चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे भाई सर। और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं, मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई, ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। मेरे भाई का कोई शुरू से कोई ये नहीं था कि वो फौज में जाएंगे, वो बेचारे मतलब मजदूरी करते थे, सचिन को पता है, मुझको पता है, वो मजदूरी करते थे कराची शहर में ही, जब मेरे अबू जिंदा थे तो मेरे अबू ने एक एक के हाथ पांव जोड़ के उनको ये जॉब दिलाई थी, मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, छोटे से सिपाही हैं, उनकी कोई वहां औकात नहीं है। अभी आप इस बात को पकड़ के बैठे हो, फिर भी मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह करने को, तो यहाँ का कानून जो कहेगा मैं वो करूंगी। धन्यवाद सर। सीमा 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 जी सीमा सीमा, आपको एक सवाल का जवाब